हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान का नारा लगा सकते, हम पाकिस्तान का नारा नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान का विरोधी पाकिस्तान है तो हमारा भी है। हम नमक खा रहे हिंदुस्तान का, तो हम हिंदुस्तान का ही नारा लगाएंगे। हम मुसलमान जरूर है, लेकिन हम हिंदुस्तानी मुसलमान है, हम पाकिस्तानी नहीं हो सकते। हमारे सबके खाली एक घर ही बाट, कतब जाए कतब जगह नहीं, मगर टूटी जात कहाँ जाए। क्या बोलेंगे? हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जोर से बोलिएगा जरा, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूँ जर्नलिस्ट राजन, और 29 जुलाई को मुहर्रम के जुलूस में नारे लगते हैं, बताया जाता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होता है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन जो है उसमें हड़कंप मच जाता है, कार्रवाई होती है, 33 लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद फिर जाँच की जाती है राजस्व विभाग द्वारा, 13 लोगों के घर पर जो है नोटिस भेज दी जाती है बेदखली की। हम गोधना गाँव में हैं और तस्वीरें दिखाएँ तो ये वो गाँव है जहाँ के लोगों को नोटिस भेजी गई है और यहाँ के लोगों को अरेस्ट किया गया है। आरोप लगाया है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, देश विरोधी नारे लगे थे। यहाँ पर हम पहुँचे और इन लोगों से जानेंगे, इन लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इशरत है। इशरत जी, आप लोगों पर आरोप है कि देश विरोधी नारे लगे थे उस दिन, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे, क्या सच्चाई है उसमें? पाकिस्तान का नारा हमारे यहाँ से नहीं लगा, कहीं से भी यहाँ से नहीं लगा, पाकिस्तान का नारा नहीं लगा है सर। यहाँ पे नारा लगा था ताजिया के विषय में, अपने उस्ताद के बोले थे ताजुस्तान, ताजुस्तान ताजुस उस्ताद। हाँ, अच्छा। तो उस्ताद को बोले, अभी कौन ऐसा जोड़ दिए है कि मतलब पाकिस्तान बोले, हम लोग के इधर से पाकिस्तान बोला नहीं गया है। कब उसका वीडियो भी है, हम न्यूज वालों को वीडियो भी दिखाए और ये लोग भी सुने कि हाँ ये लोग क्या बोले हैं। यहाँ से कुछ ऐसा विरोधी नारा नहीं बोला गया है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान का नारा लगा सकते, हम पाकिस्तान का नारा नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान का विरोधी पाकिस्तान है तो हमारा भी है। लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि देश विरोधी नारे लग रहे हैं, आप लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान के जयकारे कर रहे हैं, इसी को लेकर के कार्रवाई? नहीं नहीं, हम नमक खा रहे हिंदुस्तान का, तो हम हिंदुस्तान का ही नारा लगाएंगे। हम मुसलमान जरूर है, लेकिन हम हिंदुस्तानी मुसलमान है, हम पाकिस्तानी नहीं हो सकते, हम पाकिस्तान का नारा क्यों लगाएंगे? मतलब आपको लगता है कि वो जो नारेबाजी हुई थी वो गलत हुई है, वीडियो को फिर से सुनना चाहिए? हाँ, फिर से वीडियो सुनेंगे और इसको ध्यान लगा के सुनेंगे, उसमें क्या है वो देखना चाहिए उनको। हम लोग के इधर से गलत नारा नहीं लगा है। अच्छा, ये नोटिस भी आप लोग को जारी हो गई है, बेदखली की नोटिस भी जारी हो गई है, किसी को 19,80,000 की है, तस्वीरें हम दिखाएं तो देखिए, ये बेदखली की नोटिस भी इन लोगों को जारी हुई है। बताया जा रहा है कि सरकारी ज़मीनों पे जो है अवैध रूप से आप लोगों ने जो है कब्जा वगैरह भी किया है। ये 6 पुश्त से ज़मीन इस पर हमारे दादा बाबा सब बसे थे, यहाँ का मतलब जो है कैसा भी रहने दो, ज़मीन सुनते हैं हम कि ये आबादी जगह है, यहाँ पर कोई कुछ ऐसा विवाद कभी हुआ ही नहीं था कि हम लोग का डर रहेगा कि चलो हम कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं, वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। और हम सरकार से यही अपील कर रहे हैं कि सरकार, हम लोग जो एक एक कुटिया बना के हैं वो कुटिया में हम लोग को रह दिया जाए। हम लोग ये कुटिया गई तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। आप लोगों को बेदखल कर दिया जाएगा तो रहने का कोई ठिकाना? कोई ठिकाना हम लोग को नहीं है, हम लोग को आप लोग देख रहे हैं यही जो एक एक घर है बस इतना ही है, खेत बीत हम लोग के पास कुछ भी नहीं है, एक बीता कहीं नहीं है हम लोग का। यहाँ बिल्कुल देखिए, और कुछ लोग हम इनसे बात करेंगे। आप भी इसी गाँव की हैं? हाँ। आपका क्या नाम है? सलमा। नोटिस वगैरह आपको भी मिल गई है? हाँ। जो आरोप लग रहे हैं आप लोग के ऊपर नारेबाजी के, वो गलत है नारा, वो नारा हम लोग नहीं लगाए हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये नोटिस मिलने के बाद आप लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोग ऐसा नोटिस पाकर ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये नारा लगा ही नहीं है कोई। हम लोग लगाएंगे क्यों, हम लोग तो यहाँ रह रहे हैं कि यहाँ का नारा लगाएंगे ना, वहाँ क्यों जाएंगे जहाँ प्रशासन को आप लोगों ने नहीं बताया कि इस तरह की मतलब ये नारेबाजी नहीं की गई ऐसा बोला? कोई सवाल जवाब नहीं किया, कोई नहीं आया। मतलब कोई जो वीडियो वायरल हुआ उसकी कोई जांच पड़ताल नहीं हुई ऐसे कार्रवाई? नहीं 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 हुआ, उसको फिर से जांच की जाए, उसको सुना जाए, हम लोगों को बेरोथक किया जाए कि हम लोग बेगुनाह है, हम लोग ये सब नारा नहीं लगाए हैं।
हम जो नारा लगाए उसको सुना जाए फिर से। रात 1 बजे जब पुलिस आए हमारे आदमी बच्चे को उठाने, तो हम उनसे पूछे कि सर आप क्यों लेके जा रहे हो, वजह क्या है, क्या मतलब से लेके जा रहे हो, तो वो लोग हम लोग को गाली दिए और गाली दे के हमें वीडियो दिखाए। तो हम बोले कि सर ये वीडियो आप ध्यान से सुन लीजिए कि इसमें क्या बोला जा रहा है। तो वो लोग मुझे डंडा दिखा के हटा दिए, मेरे ऊपर डंडा तान दिए मारने के लिए। अच्छा, जो ये आप बता रही हैं ताजू उस्ताद जो, तो ये ऐसी नारेबाजी क्यों की जाती है आप लोगों? ये हमारे उस्ताद के मतलब जो लकड़ी खिलाते थे वो उस्ताद के नारा लगाया जाता है। हाँ, मतलब ऐसा होता है कि जो लकड़ी खिलाते हैं उस्ताद का नारा, वो उस्ताद का नारा लगाया जाता है। वो उस्ताद अभी जिंदा नहीं है, फिर भी उनका मतलब वही नारा लगा के ताजियत किया जाता है बस। यहाँ बिल्कुल देखिए, इनका कहना है कि उस्ताद जो थे उनके लिए उनका नारा लगाया जा रहा था, न कि पाकिस्तान का। आप भी दादी इसी गाँव की हैं, आप भी थी उस दिन नारेबाजी हो रही थी, आपको क्या लग रहा है? साहब ना, हमारे फोड़ा हुआ है, हम कतौ नहीं गई थी, हम अपने घर में रही थी, हम कुछ नहीं सुने थे। अच्छा, आपको सुनी नहीं थी? नहीं सुनी। जो कार्रवाई हो रही है सही है गलत है? नहीं गलत है। गलत हो रही है? हाँ गलत हो रही है। ये बिल्कुल देखिए, ये देखिए एक हैं, इनको भी जो है नोटिस मिली हुई है, रियाज हैं पत्नी कासिम, आपको भी नोटिस मिल गई है? हाँ हमारों को मिले बस साहेब, 19,80,000। हाँ साहेब, अब साहेब हम सब हमारे सबका खाली एक घर ही बाट कतब जाए कतब जगह ना है, मगर टूटी जात कहाँ जाए आदमी कैंसर में, कहाँ दवाई पाई करे के। आपके घर का भी कोई गिरफ्तार है, कोई अरेस्ट है? कभी नहीं नहीं, कोई अरेस्ट है, कोई लड़का? हाँ लड़का है एक। उसको उसका भी नाम मतलब उसमें आया है नारेबाजी में? हाँ, तो कितने लोगों को यहाँ से गिरफ्तार किए हैं? 10 जने हैं। 10 लोग यहाँ से किए हैं और यहाँ 3 लोगों को नोटिस दे? हाँ 3 जने के नोटिस आए। जी हाँ बिल्कुल देखिए, 10 लोग को यहाँ से अरेस्ट किया गया है और 3 लोगों को यहाँ पे नोटिस आई है। 2 गांव के लोग बताए जा रहे हैं ना, गोधना और कौन सा एक? किशुनदासपुर। किशुनदासपुर और गोधना 2 गांव के लोग। यहाँ पे एक और महिला, इनको भी आपको भी नोटिस मिली हुई है, जरा सा देखें। ये देखिए नसीम इब्राहिम, इनको भी जो है नोटिस मिली हुई है, 33,000 की नोटिस है इनको भी। आपके घर से भी कोई अरेस्ट है, गिरफ्तार है कोई? हाँ मेरा देवर है। आपके देवर हैं, प्रशासन आई थी, पुलिस प्रशासन क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं बोले, बस पकड़ के लेके चले गए। अभी जब नोटिस देने आए थे राजस्व विभाग के लोग, तो उन्होंने क्या कहा? कुछ भी नहीं कहा, केवल नोटिस दे के चले गए। कुछ बताएं, कुछ टाइम दिए हैं कि कब तक खाली करना? हाँ 25 तारीख तक बोले हैं। तब 25 तारीख तक खाली कर देंगे आप लोग? कैसे कहाँ जाएंगे अब हम लोग, सब खाली कर देंगे तो कहीं जगह भी नहीं है कि जहाँ जाएंगे। प्रशासन से नहीं बताया आपने कहाँ जाएंगे, क्या कुछ करेंगे? नहीं कोई आए नहीं तो किससे बताएंगे। आप लोग के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं देश विरोधी नारे लगाने के। ये गलत नारा गलत है सर, हम लोग दूसरा नारा लगा था लेकिन पाकिस्तान का नारा लगाकर हम लोग को बदनाम कर रहे हैं। मतलब आप लोग पाकिस्तान की नारेबाजी नहीं? नहीं, हम लोग हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान की ही बोलेंगे ना, पाकिस्तान का नारा क्यों लगाएंगे? कभी नारा ऐसा नहीं लगा है। मतलब आप लोग हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे? जिंदाबाद। हाँ क्या बोलेंगे? हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोलेंगे? नहीं पाकिस्तान। जी हाँ बिल्कुल देखिए, ये लोग हैं, इन लोग का साफ तौर पे कहना है कि जो नारेबाजी हुई थी उसमें कुछ और बोला गया है। अगर वीडियो को गौर से सुना जाएगा तो सच्चाई जो है सामने आ जाएगी। वीडियो वायरल हुआ और लोग बता रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने 33 लोगों को अरेस्ट किया है दोनों गांव से मिला के, और 13 लोगों के जो है नोटिस भेजी गई है। राजस्व विभाग की टीम द्वारा जो है जांच कराई गई है, जो सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किए हुए हैं उन सबको लेकर के उन लोगों को नोटिस दी गई और बेदखली का आदेश दिया गया है कि 15 दिन में जो है ये लोग खाली कर दें। तो ये तस्वीरें हैं गाँव की, गोधना गाँव में हम हैं, जहाँ पर 3 परिवार को नोटिस दी गई है, साथ ही घर के सदस्यों को जो है अरेस्ट भी किया गया है। और लोग साफ तौर पर यहाँ के लोग बता रहे हैं कि इस तरह की नारेबाजी नहीं हुई थी, जो उस्ताद थे उनके जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे और सरकार से ये लोग जांच की मांग कर रहे हैं। क्या कहेंगी आप मोदी जी से और योगी जी से? हम योगी जी से और मोदी जी से यही कहेंगे कि अगर आपको कोई गलत संदेशा दिया है तो संदेशे को काट के हम लोग का ये सुना जाए, जो वीडियो हमारे यहाँ से बना है, जो रियल वीडियो है वो सुना जाए, उसमें आप ध्यान से सुनिए कि बोला क्या गया है। और ये जो घर भी है ये हम लोग के रहने दें, और हम लोग जाएंगे कहाँ, ये घर टूटेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग को खाली इतना ही ठिकाना है, दूसरा कुछ भी ठिकाना नहीं है।
मैं फिर से वही सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या ये नोटिस मिलने के बाद तो आप लोग इस तरह से नहीं ना बयान बदल रही हैं? नहीं, कोई डर की वजह से तो नहीं ना आप लोग बोल रही हैं कि नहीं ऐसा नहीं? नहीं, हम लोग की कोई बात का डर नहीं, कुछ नहीं, हमें कोई ऐसा डरा भी नहीं रहा है कि तुम ऐसा बोलो या वैसा बोलो, वैसा कुछ भी नहीं है। हम जो बोल रहे वो हकीकत बोल रहे, वो सच बोल रहे। नहीं ऐसा तो नहीं कार्रवाई हो रही है प्रशासन द्वारा तब आप लोग इस तरह की बयान? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल ऐसा हम बदल के बात नहीं बोल सकते, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हम सच्चा मुसलमान हैं, हम ऐसा झूठ नहीं बोल सकते। हमारे हिंदुस्तान में झूठ नहीं बोला जाता है, हम लोग सच बोलते, जो कुछ बोलेंगे सच बोलेंगे। मतलब आप हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे? हाँ, हिंदुस्तान जिंदाबाद हम लोग बोलेंगे ही ना, हम लोग क्या लेने जाएंगे वहाँ पे, वहाँ हमारा कुछ भी नहीं है, हम हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान का नारा लगाएंगे, हम वहाँ से हमसे कुछ भी लेना देना नहीं है। हम सरकार से यही अपील कर रहे हैं कि सरकार जो कुछ हम लोग जितने में बसे हैं हम लोग को उतने में रहने दिया जाए, हम लोग को निकालो मत, हम लोग विरोधी नहीं है, हम हिंदुस्तानी है। तो एक बार चाहेंगे जरा सा आप लोग एकजुट हो जाएं और जरा हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दें, जरा सा आप लोग इधर आ जाइए, क्योंकि आप लोग ऊपर आप लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं कि आप लोग देश विरोधी नारे लगाई थी, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे आप लोगों ने लगाए थे। तो 15 अगस्त आने वाला है आज़ादी का, तो हम चाहते हैं एक बार आप लोग जरा एक स्वर में जो है हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दें। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान, जोर से बोलिएगा जरा, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, बोलिएगा दादी, हिंदुस्तान जिंदाबाद, आप भी बोलिएगा हिंदुस्तान जिंदाबाद। यहाँ बिल्कुल देखिए, तो लोग हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि शायद प्रशासन द्वारा नोटिस दी गई है बेदखली की, तो इसको लेकर के ये लोग अब बयान बदल रहे हों, नारे लगा रहे हों। लेकिन जैसा कि लोग बोल रहे हैं कि एक बार वीडियो की जांच कराई जाए, तो वीडियो की जाँच कराने में क्या कमी है? एक बार फिर से मैं चाहूँगा कि प्रशासन वीडियो की जाँच करा ले, अगर जाँच करा लेने से दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है तो शायद बेगुनाह बच जाएंगे, और अगर गुनहगार हैं तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए।